नमस्कार जैन, कैसे आप लोग? गाइस, ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लेकर आई हूँ फर्स्ट T20, जिसमें बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के मैच का प्रेडिक्शन के बारे में। तो गाइस, प्रेडिक्शन करने से पहले दो लाइन सुनाना पसंद करूँगी, जो कि अब हवाएँ ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो कुछ ऐसे ही बातें होती हैं गाइस। आखिरकार 17 सालों के इंतज़ार के भारतीय टीम ने T20 विश्व कप का खिताब जीत ही लिया। तो अब उसके एक हफ्ते बाद ही भारतीय टीम एक नई सीरीज़ खेलने जिम्बाब्वे पहुंच गई है। इस सीरीज में 5 T20 मैच खेले जाएंगे। इस सीरीज़ में बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है और एक न्यू एंड यंग इंडियन टीम यहाँ खेलेगी। सुमन गिल को यहाँ युवा भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो वही दूसरी जिम्बाब्वे ने सीरीज के लिए एक युवा टीम चुनी है। जिम्बाब्वे के नए हेड कोच और जस्टिन सेमंस के नेतृत्व में रिबिल्ड करना चाहेगा और जिम्बाब्वे टीम की औसत आयु 27 वर्ष है और वही 38 वर्ष की कप्तान सिकंदर राजा 86 मैचों के साथ टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। 6 जुलाई से यह सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो चलिए बात करते हैं पहले मुकाबले की, जिसमें जिम्बाब्वे और भारत आमने सामने होंगी। यह मैच 6 जुलाई शनिवार को हरेर स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम के 5 बजे से खेल स्टार्ट होगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो हरारे में मौसम क्लियर स्काई रहेगा, धूप अच्छी रहेगी, बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है और रेन चांसेस 0% रहेगी। ह्यूमिडिटी 75%, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगी। पिच एनालिसिस की बात करें तो पिच एंड कंडीशंस स्पेल फ्रेंडली है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है विकेट धीमा होता जाता है और जिस स्पिनर को और मदद मिलती है जो कि मिडिल ओवरों में इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। दूसरी ओर सीम बॉलर्स पिच द्वारा प्रदान की जाने वाली पेस एंड बाउंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें गाइस तो विनिंग परसेंटेज का प्रेडिक्शन कहता है कि फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 56%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 44%। एवरेज स्कोर की तरफ देखें तो एक झलक तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 156 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 140। तो गाइस अब चलते हैं हेड टू हेड लास्ट 10 मैचों में देखें तो इंडिया का हुआ है 6 और जिम्बा का हुआ है 2। इंडिया शॉट एनालिसिस की बात करें गाइस तो यह सीरीज भारतीय क्रिकेट में एक नए चैप्टर का आगाज है, क्योंकि रोहित विराट के T20 में संन्यास लेने के बाद T20 में एक नई टीम होगी। यहीं से एक नई युवा की टीम का फैसला शुरुआत होगा। टीम में बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने IPL में अच्छा परफॉर्म किया था और अब वह डिबॉट के भी करेंगे और अभिषेक शर्मा और रियान परा को भी टीम ने चुना है और दोनों बल्लेबाज स्पिन के भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो ऐसे कंडीशन में और मददगार साबित हो सकते हैं। और तुषार देशपांडे और ध्रुव जुरेल भी टीम में शामिल होंगे और यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, संजू सैमसन पहले 2 मैचों से बाहर हो गए क्योंकि वो वेस्ट इंडीज में ही थे और ये तीनों आखिरकार के 3 T20 में 3 और टीम से जुड़ेंगे। आवेश खान और मुकेश कुमार 3 गेंदबाजे हैं, अब जबकि वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई भारतीय टीम के स्पिनर हैं और शिवम दुबे को चोटिल नीतीश रेड्डी की जगह टीम में जगह मिली है और ऋतुराज गायकवाड़ और सुमन गिल टीम के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। इंडियन प्लेइंग 11 की बात करें तो सुमन गिल जो कप्तान है, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर है, रियान पराग, अवासी गटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे की प्लेयर्स में हैं सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई। जिम्बाब्वे शॉट एनालिसिस की बात करें तो जिम्बाब्वे अब अपनी क्रिकेट को आगे ले जाना चाहता है। इसके लिए उनसे सीरीज में एकदम न्यू टीम की सेलेक्ट की गई है और टीम्स और मैनेजमेंट में काफ़ी टफ डिसीजन लेते हुए कई सारे प्लेयर्स को सीरीज में नहीं लिया है बड़े को, और जिसमें रियान बर और सीन विलियमसन को और क्रेग एरविन को बाहर किया गया है और 38 वर्षीय कप्तान सिकंदर राजा 86 मैचों के साथ टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। उसके बाद 29 वर्षीय और ल्यूक और जोंगवे हैं जिन्होंने 63 गेम खेले हैं। युवा प्लेयर्स ब्रायन और बेनेट कैंपबेल में और मारू
मारुमानी जिम्बाब्वे को आगे ले जाएंगे और स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा के साथ में वे इस युवा जिम्बाब्वे में टीम की ताकत है। अंतम नकवी को टीम में शामिल किया गया है और नकवी का 7 T20 मैचों में स्ट्राइक रेट 146.80 और लिस्ट ए क्रिकेट में एवरेज 73.42 है। जिम्बाब्वे के अनुभवी फास्ट बॉलर रिचर्ड और नगारवा और बैलेंसिंग मुजारवानी 5 मैचों में T20 सीरीज में इंडियन बैटर्स के लिए असली खतरा है। जिम्बाब्वे ने ऑलराउंडर वेस्ली और मधिवीरे और ब्रैंडन उयमायुवुता को भी सीरीज के लिए वापस बुलाया है। फास्ट बॉलर्स और तेंजन जत्रा को भी टीम में जगह मिलती है और गाइस मिल भी गई है। और जिम्बाब्वे प्लेइंग 11 की बात करें तो सिकंदर राजा जो कप्तान है, ब्रायन बेनिट और जनाथन कैंपबेल और ट्रिनिडाद चातरा और ल्यूक जोंगवे और इनोसेंट काइवा है और क्वालीवे है और मनांडे हैं जो विकेट कीपर हैं और वेस्ली मधेवेरे हैं और ब्लेसिंग मुजारवानी है, एंटम नकवी है और रिचर्ड्स नगरवा है। की प्लेयर्स की बात करें तो एंटम नकवी और सिकंदर रजा डेंडाई चत्रा। ड्रीम इलेवन फैंटेसी टीम की बात करें तो विकेट कीपर में है ध्रुव जुरेल जो बैटर्स में शामिल है, सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और ब्रायन बेंट। बॉलर्स में शामिल है रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार और तेंदाई चतराना और लुकी जंगवे। ऑलराउंडर में शामिल है सिकंदर राजा, एंटम नकवी। प्रेडिक्शन की बात करें गाइस तो इस मैच में सबकी फेवरेट भारत ही है। हालांकि जिम्बाब्वे की यंग टीम को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, खास तौर पर जब उसके घर में मैच हो तो मैच रोमांचक और कांटे का होगा। और अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही टीम्स के स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए विनर भारत हो सकता है। तो गाइस ऐसा करती हूँ, आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सारे मैच से रिलेटेड मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट में वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।